आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है नगर संग्राम का। नगर पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही विधुना नगर पंचायत में निर्दलीय प्रत्याशी अपना दमखम चुनाव मैदान में दिखा रहे हैं। इसी को लेकर आज खास बातचीत में हमारे साथ विधुना नगर पंचायत से निर्दलीय प्रत्याशी सुमेंद्र पोरवाल, जिनका चुनाव चिन्ह शंख है। आपको बता दें कि सुमेंद्र पोरवाल 30 साल तक समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम किए हैं। समाजवादी पार्टी में जातिवाद होने के कारण समाजवादी पार्टी छोड़ दी। इसके बाद आम आदमी पार्टी से 2 साल औरैया से जिला अध्यक्ष के रूप में काम किया और लोगों की समस्याओं पर आवाज उठाई। वर्तमान में व्यापार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं संयोजक भी हैं। इस समय अपना दल की नीतियों से प्रभावित होकर उसी में समाज की बात कर रहे हैं, लेकिन अपना दल द्वारा कोई प्रत्याशी नहीं उतारा गया तो सुमेंद्र पोरवाल को आम आदमी पार्टी से विधुना नगर पंचायत का प्रत्याशी बनाया गया, लेकिन लोगों ने निर्दलीय चुनाव में आने की सलाह दी, जिसके बाद जनता की इच्छा के अनुसार निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। सुमेंद्र पोरवाल ने घोषणा पत्र भी जारी किया है, जिसको लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं और जनता का पूरा पूरा विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ विधुना नगर पंचायत से निर्दलीय प्रत्याशी सुमेंद्र पोरवाल जी जुड़ चुके हैं। सुमेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम में। जी मयूर जी, मैं आपको अभिवादन करता हूँ। सुमेंद्र जी, आप अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मयूर जी, सबसे प्रथम मैं व्यापारी समाज से पहले हूँ। समाज का आज हर राजनीतिक दल ने शोषण किया है और उसकी तरफ किसी भी दल का, किसी भी नेता का, किसी भी विधायक का कभी ध्यान नहीं गया। और मैं केवल इसी दर्द को लेके जब चुनाव आते हैं तो सभी को व्यापारी याद आते हैं, सभी को दल याद आते हैं, लेकिन हमारी समस्याओं के चिंतन करने वाला, संघर्ष करने वाला आज कोई भी नहीं है। इसलिए मैंने ये फैसला किया, मैं जो भी संघर्ष करूंगा व्यापारी समाज हित के लिए करूंगा, नगर की जनता के लिए करूंगा। सुमेंद्र जी, अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं और ये भी बताएं कि आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई। मयूरी जी, जैसा कि आपने अपने संबोधन में बताया जी, मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप से की और माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी यादव के सानिध्य में रहकर की और बराबर कार्यकर्ता के रूप से काम करते हुए मुझे माननीय मुलायम सिंह जी के द्वारा नगर में महासचिव के पद पर भी मनोनीत किया गया। उस वक्त भी मैंने अपने शरीर से, मन से, तन से, धन से पार्टी की नीतियों को जनता के सामने रखा, लेकिन जब मैंने ये देखा कि अंदर ही अंदर केवल हमारे लोगों का शोषण हुआ है, हम लोगों को कोई सम्मान नहीं है, तो उसके बाद हमने उससे फिर विदा लेना उसे समझा। उसके उपरांत मैंने जब ये देखा कि इसकी नीतियों को कोई मानने वाला, मैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित हुआ। उनकी जो नीतियां थी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, इसके लिए ही हमने प्रण किया कि मैं भी उनकी नीतियों का एक छोटा सा प्रारूप अपने जनपद औरैया में प्रस्तुत करूंगा। मुझे पार्टी के द्वारा आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष औरैया नियुक्त किया गया। मैंने 2 वर्ष अब बिना किसी मिशन के पार्टी की नीतियों को उजागर करने का काम किया, जिसके फलस्वरूप आज जनपद औरैया में आम आदमी पार्टी को जाना जाता है, माना जाता है। जैसे आपके आज प्लेटफॉर्म पे मैं बैठा हूँ, उसी तरीके से मैं 2022 के विधानसभा चुनाव में भी लाइव डिबेट पे बैठा हूँ। मैंने पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का कार्य किया और जब मैंने जब देखा कि अंदर खाने में भी वही सड़ी गली नीतियां है, वही जातवाद है, लेकिन जो केजरीवाल जी की नीतियां है, स्थानीय संगठन, प्रदेश संगठन उससे कतई अछूता नहीं है, वहां भी वही जातवाद, भेदभाव, उससे फिर पीड़ित होकर मेरा मनोभाव हटा। मैंने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं केवल जनता की, व्यापारियों की हित के लिए संघर्ष करता रहूंगा।
उसी के क्रम में मैं अनुप्रिया पटेल जी से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने भी मुझसे विश्वास जलाया कि जिन नीतियों को लेकर आप पार्टी में आ रहे हैं उन नीतियों को क्रियान्वित करिए और उनकी नीतियां कमोबेश मजदूरों किसानों वरिष्ठों इनके लिए है और उनकी नीतियों से ही प्रभावित होकर मैंने अपना दल में कार्यकर्ता रूप से हूँ और आज भी वहीं पे स्थापित हूँ। क्योंकि पार्टी स्थानीय निकाय का चुनाव नहीं लड़ रही है इसलिए मुझे ये निर्देश हुआ कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आप निर्दलीय तौर पे पर्चा भर सकते हैं। तब मैंने निर्दलीय तौर पे पर्चा भरा, फिर भी देखिए मेरी लोकप्रियता की वजह से आम आदमी पार्टी के द्वारा मुझे टिकट ऑफर हुआ, लेकिन मैंने उसको ठुकराते हुए आम आदमी पार्टी की पार्टी के टिकट न लेके केवल अपनी व्यापारियों के हित में मैंने निर्दलीय आना इसे समझा। हर पार्टी की नीतियां अलग अलग है, कोई पसंद करता है कोई नहीं पसंद करता है, लेकिन हमको आम आदमी व्यापारी पसंद करता है। सभी सहयोगियों के समर्थकों की सलाह पे मैंने निर्दलीय आना इसे समझा। सुमेंद्र जी, हर इंसान का राजनीति में एक मार्गदर्शक होता है, आपका कौन है? जी मेरा मार्गदर्शक तो मैं बता दूं, मैंने केवल एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप से 1990 में माननीय नेताजी की नीतियों के संघर्ष में ही उनको अपना नेता माना, लेकिन नेताजी की नीतियों को उनके ही समाज के लोगों ने दूषित कर दिया, इसलिए मैं उनके ही बताए हुए कर्मों पर चल रहा हूँ। और माननीय लोहिया जी ने जो बात की थी कि जिंदा को मैं 5 साल इंतजार नहीं करती है, उन्हीं नीतियों के तहत मैंने बराबर संघर्ष किया और माननीय लोहिया जी को अपना राजनीतिक विशेषज्ञ मानता हूँ, राजनीतिक मार्गदर्शक मानता हूँ। आज क्योंकि लोहिया जी नहीं है लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा है और उन्हीं विचारों पर हम चलना चाहते हैं और उन्हीं विचारों को लेकर माननीय नेताजी ने भी अपना कार्यक्रम शुरू किया था, राजनीतिक जीवन शुरू किया था। आज भी मैं उन्हीं नीतियों को लेकर चलता हूँ, मैं दब नहीं सकता झुक नहीं सकता लेकिन जनता के संघर्ष में अपना तन मन धन बलिदान कर सकता हूँ। सुमेंद्र जी, अभी आपने बताया कि आपने राजनीति में एक लंबा सफर तय किया है, तो आपके राजनीति के सफर में कौन कौन सी चुनौतियां आई? अब चुनौती की अगर बात करेंगे मयूर जी तो चुनौतियां तो अपनों से ही आती है, बाहर चुनौतियों की जरूरत नहीं पड़ती है। जिनके साथ मैंने राजनीति शुरू की स्थानीय स्तर पे, जब मैं उभरने लगा तो उन सहयोगियों ने ही मुझे उभरने से रोका और मेरा राजनीतिक अस्तित्व खराब करने की कोशिश की। यहाँ भी स्थानीय स्तर पर मैं अगर बात करूँ तो जो भी संघर्ष मैंने 2007 के नगर पंचायत चुनाव में यहाँ के स्थानीय प्रस्ताव जी के लिए किया था, आज वो ही हमको उजाड़ने की कोशिश में लगे हुए, जबकि उनके लिए मैंने तन मन धन निसार किया था, अपनी जान की परवाह न करते हुए मैंने उनका साथ दिया था। उसकी परिणति ये हुई, उनको ये आशंका हो गई कहीं मैं उनके बराबर खड़ा ना हो जाऊं। जो सेनापति अपनी सेना को भूखा रखता है तो वो सेना युद्ध कैसे जीत सकती है? नेताओं को अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भरोसा से दूर उन्होंने ये प्रतिष्ठा बना ली कि एक ये स्थापित होते हैं तो मैं अन्य पदाधिकारियों को विस्थापित कर दूंगा। तो मैंने कहा जब ऐसी परिस्थितियां अलग रह के मैंने संघर्ष किया, कोरोना काल में मैंने व्यापारियों के लिए वो संघर्ष किया, तब ये नेता ये कार्यकर्ता कहीं नजर नहीं आए। और आपको याद होगा कोरोना काल जीवन का वो काल था जिसको कोई भूल नहीं सकता, उस वक्त कोई राजनेता कोई भी दल का विधायक सदस्य सब अंडरग्राउंड थे, केवल मैं एक व्यापारी के नाते उस टाइम में सत्कारिता भी करता था। मैंने व्यापारियों के हितों के लिए बहुत रक्षा की कि आदमी आज भी हमारा व्यापारी कैसा है कि अगर कोई निकला था तो वो केवल सुमेंद्र कोरवाल से, बकाया सब अपनी जान की रक्षा के लिए अपने भी पोर्टियों में कैद थे। तो मैं अपने व्यापारियों के लिए मेरा सारा प्रोगंडा व्यापारियों के लिए है और उस एजेंडे पे ही मैं आगे चल के काम करूंगा और परिणाम की मुझे चिंता नहीं है। मैं जातवाद पे विश्वास नहीं रखता, मैं धर्मवाद पे विश्वास नहीं रखता, अगर केवल मेरा एक विश्वास है तो वो मानवता पर है और उसी के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। जी सुमेंद्र जी, आप अपने क्षेत्र की जनता के बीच जाते होंगे, अपने क्षेत्र में जाते होंगे, तो अभी कौन सी बड़ी समस्या देख रहे हैं? मयूर जी बड़ा आश्चर्य के साथ कहना चाहता हूँ, पिछले दिनों आपके ही चैनल पे हमारे पूर्व प्रत्याशी और वर्तमान प्रत्याशी यहाँ पे अपनी बात रख रहे थे, मैंने भी वो कार्यक्रम देखा और बड़ा ये इस बात आपने भी यही प्रश्न से पूछा था कि आपकी क्या समस्या है, तो मैं बड़े ही पहले से बताना चाहता हूँ। हमारे नगर पंचायत धूना में ये 7वां कार्यकाल है, 6 कार्यकाल हो चुके हैं, 4 कार्यकाल एक ही परिवार को जनता ने दिए और 2 कार्यकाल अलग अलग जगह पे हुए, तो जो 4 कार्यकाल आपको देने मिले हैं
तो उस कार्यकाल में आपने जनता के बीच में ऐसा कुछ नहीं किया जिनके विषय आज करना चाहते। मैं केवल बड़े खुलेपन से आज आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, ऐसा विकास का कौन सा एजेंडा वर्तमान प्रत्याशियों के सामने है जो आज तक वो नहीं कर पाए और इसके लिए आज पुनः आना चाहते हैं, तो इस बात को अगर कोई बता दे तो मैं उनके पक्ष में खुल कर रहूंगा। यदि वो ये साबित कर दे कि एजेंडा हमारा नहीं गया, वो उस दिन आपके चैनल के माध्यम से जनता को बता रहे थे कि मैं सफाई व्यवस्था के लिए, मैं रोड में बदलने के लिए जनता के बीच में आ रहा हूँ, तो मैं मालवा आपको बताना चाहता हूँ बस अड्डे का एजेंडा नगर पंचायत की सीमाओं में नहीं आता है, ये प्रशासन की चीज है और प्रशासन के लिए आपने कब संघर्ष किया इस बात के लिए भी आप बताए कि प्रशासन में आपने कौन सा आंदोलन किया कि बस अड्डा हमारा शुरू हो जाए। और जो सफाई की जल भराव की बात कर रहे हैं तो मैं बड़े ही खुलेपन से बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे वर्तमान प्रत्याशियों का आवास है उसके पिछवाड़े में इतनी भयंकर गंदगी है, इतना बड़ा तालाब है, जल मंजरी स्थापित है, जब आप अपने मोहल्ले में अपने आवास से आपने सफाई नहीं कराई तो फिर आप कैसे ही दावा कर सकते हम नगर का विकास करेंगे। सुमेंद्र जी, आप किस एजेंडे और किस मुद्दे के साथ जनता के बीच जा रहे हैं? हमारा एक ही एजेंडा है कि हम अपने व्यापारी के व्यापार को सुरक्षित संरक्षित और सम्मानित तरीके से उसको रख सके। हमारा व्यापारी वर्ग अपनी जायज बात को कहने के लिए मतलब परेशान रहता, उसकी जायज बात को कोई भी दल, कोई भी नेता, कोई भी पदाधिकारी कहने को तैयार नहीं है। हमारा व्यापारी अपने व्यापार में हर तरीके से दलों को चंदा भी देता है, उनकी जातियां भी बर्दाश्त करता है, लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इन सब चीजों से दूर हटकर आधार विहीन लोग नगर की बागडोर को संभालना चाहते हैं, उनका कोई संग नगर की विकास में, नगर की किसी भी व्यवस्था में कोई योगदान नहीं है। धन बल और जनबल के आधार पर ये नगर पंचायत के चुनाव का हरण करना चाहते हैं। हमें एक बड़े बड़े खुलेपन से पूछना चाहता हूँ नगर की जनता से और नगर के और लोगों से, आप 1,50,00,75,00,80,00,00 रुपए खर्च करके कौन सा ऐसा विकास का मॉडल आप पेश करेंगे जो आपकी जनता के लिए हो जाए? जो आदमी 1,00,00,000 रुपया खर्च करेगा वो नगर के विकास का कौन सा एजेंडा लागू करना चाहेगा? यदि आप जनसेवा ही करना चाहते तो चुनाव के बाद भी कर सकते हैं, चुनाव के पहले भी कर सकते थे। यदि आप वास्तव में जनसेवा के तो चुनाव हो जाने के बाद भी आप इसी प्रकार से लगिए, इसी प्रकार से जनसेवा के कार्य करिए, लड़कियों की शादी कराइए और तमाम ऐसी जनसेवा के कार्य जिनको करा सकते हैं, लेकिन उनकी गिल्द नजर नगर पंचायत के बजट पर है। जब नगर पंचायत का बजट यही लोग खा जाएंगे तो नगर में विकास की बात करना बेमानी है। सुमेंद्र जी, तो जैसा आपने बताया कि आप तमाम बड़े मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, तो कैसा समर्थन देखने को मिल रहा है जनता का? मयूरी जी, मैं एक बार फिर स्पष्ट करना चाहूंगा, इस छोटे से चुनाव में भी लोग अपनी अपनी पूरी क्षमता के साथ, धन बल के साथ, जल बल के साथ वोटों को खरीदने का कार्य कर रहे हैं। लोग खुल के सामने आना नहीं चाहते, जनता भी बहुत होशियार है। अभी तक तो नेता जनता को पागल बनाते थे, लेकिन अब उल्टा हो गया है, अब जनता ही नेता को इतना पागल बनाए हुए कि उनको यही समझ नहीं आ रहा है कि जनता किसके साथ है। तो वो किसी न किसी ठेकेदारों को लगा रहे, पैसा बांटने की व्यवस्था कर रहे। मयूर जी, मैं बिल्कुल साधन विहीन हूँ, मेरे पास कोई भी साधन नहीं है, कोई भी पैसा नहीं है। मैं जनता से केवल एक ही अनुरोध करूंगा कि मुझे तन मन धन से सहयोग करें और जो भी हमको दे सकता है हमको दे। चुनाव परिणाम की कतई चिंता किए बगैर आज भी मैं जनसेवा के कार्य लगा हूँ, आगे भी लगा रहूंगा, ऐसा मेरा सोचना है। सुमेंद्र जी, आज के राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए कैसे विकास की गाथा लिखेंगे? ये बहुत ही संघर्ष की बात है। इस संघर्ष के समय में हमारे साथ या हमारे व्यापारियों के साथ कोई भी होनी अनहोनी सारी चीज हो सकती है और हम लोग इस बात के लिए तैयार है कि संघर्ष कितना भी करना पड़े, संघर्ष करने में हम पीछे नहीं हटेंगे, परिणाम की चिंता नहीं करेंगे। मैं अपने व्यापारी के व्यापार पे पहले मेरा ध्यान फोकस है, हमारे व्यापारी कैसे सुरक्षित हो, कैसे व्यापार को सम्मान मिले, कैसे हमारे व्यापारी को सम्मान मिले। कोरोना काल जब मयूर जी आया था, उस कोरोना काल में कोविड के बहाने पुलिस प्रशासन हमारे व्यापारियों को उठा उठा के थाने में बंद करता था। उस टाइम केवल मैं ही ऐसा व्यक्ति था जो अपने व्यापारियों को थाने से छुड़वा कर लाता था। व्यापारी इस प्रकार से व्यापार करता था जैसे वो कोई चोरी कर रहा है, जैसे वो कोई अवैधानिक कार्य कर रहा है।
अफीम गांजा बेच रहा है, इस प्रकार से व्यापारी का सलूक हुआ था और कुछ घटनाएं तो ऐसी हुई लॉकडाउन के टाइम में, व्यापारी अपने घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए बिक्री करने जब आते थे बाजार में तो घंटों दुकान के भीतर बंद रह जाते थे और बाहर पुलिस वाले ताले लगा देते थे सड़कों में। तो इन परिस्थितियों से कोई भी राजनीतिक दल हमारे साथ नहीं आया, कोई भी चेयरमैन हमारे साथ नहीं आया, चेयरमैन भी अंडरग्राउंड थे, उनके फोन बंद थे, उनको ये भय था कि कोरोना कहीं हमको ना लग जाए। लेकिन मैं अपने व्यापारियों की रक्षा के लिए बराबर बाजार में रहा, मार्केट में रहा, जो भी हो सकता था मैंने राशन वितरण का भी कार्य कराया। बहुत से लोग, वो महिलाएं, वो बच्चे जो रास्ते में चल चल के जिन्होंने दम तोड़ दिया, जहाँ भी तांप फंस गए, उस टाइम भी हमने अपनी यथाशक्ति व्यापारियों के सहयोग से उनकी राशन वितरण कराया, उनको सारी सुविधाएं दी, जितना आगे हम लोग कर सकते थे हम लोगों ने बराबर किया और आगे भी करते रहेंगे। जी सुमेंद्र जी, जाते जाते प्राइम टीवी के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी नगर के सभी सम्मानित जनता से, सम्मानित बुद्धिजीवियों से केवल मेरी एक करबद्ध प्रार्थना यही है कि इस समय सारे दल, सारी जातियां अपने अपने दलों में बढ़ने, आप दलगत और जातिगत भावना से ऊपर उठकर नगर के विकास के लिए एक ऐसे साधारण व्यक्ति को आप चुने जो आपको हर वक्त उपलब्ध रहे। लेकिन अगर जातिगत गणना ऐसे ही रही तो नगर का विकास होना असंभव है। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा, परिणाम कुछ भी हो मैं आगे भी आपके माध्यम से फिर भी मिलूंगा और यहाँ इसके बाद जो भी चुनाव है वो कहीं किसी भी गत में जाए, लेकिन मैं जातगत और धर्मगत राजनीति से दूर हटकर अपने व्यापारियों के लिए एक ही संदेश है कि हमारा चुनाव निशान संघ है और संघ वाले खाने में मोहर लगा के अपनी ताकत मुझे दीजिए, मैं उस ताकत को मैं ब्याज के आपको वापस करूंगा। मुझे एक ही अपील है हर व्यापारी से, हर मुझे एक दस्ता नोट और एक वोट आपके हर परिवार से चाहिए जिससे कि मेरे ताकत बढ़े और मेरा आगे का मार्ग प्रशस्त हो सके। जी सुमेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो आज मुलाकात हुई सुमेंद्र पोरवाल जी से जो बिधुना नगर पंचायत से अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार हैं। बता दें निकाय चुनाव में महज कुछ ही वक्त रह गया है और चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां, सभी दल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, कोई भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। वहीं प्रत्याशी की बात करें तो प्रत्याशी अपनी जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और जनता का पूरा पूरा भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल नगर संग्राम में अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।